नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूँ आपके साथ अनन्या मिश्रा। आजकल की युवा पीढ़ी पुराने जमाने की परंपराओं से काफी दूर चलते जा रही है। जहां जमाना टेक्निकल की ओर फोकस कर रहा है, तो वही जमाना पुरानी परंपराओं को दूसरी तरफ भूलते जा रहा है। लेकिन झांसी से एक मामला सामने आया है जहां लोग देख और सुनकर हैरान हो जा रहे हैं। ऐसे तो आप सबने अजीबो गरीबो जैसे काफी वीडियो देखे और सुने होंगे, लेकिन इस बार झांसी में परंपराओं से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है जो सब देखकर हैरान हो जा रहे हैं। बता दें, इस आधुनिक होते हुए दौर में जहां बारात कार और बस से आती है, दूल्हे हेलीकॉप्टर से दुल्हन को विदा कराने आता है, लेकिन बुंदेलखंड के एक किसान की बेटी की बारात बैलगाड़ी से आई। बारात में एक दो नहीं बल्कि 25 बैलगाड़ियों में बाराती सवार थे। शादी की गीतों को गाते और हंसी ठिठोली करती हुई बाराती 4 किलोमीटर से विवाह घर तक बारात लेकर पहुंचे, जिसमें जिसने भी उसे देखा बैलगाड़ी को, सजी धजी बैलगाड़ियों में जाती बारात को देखकर उसे 70-80 के दशक के जमाने याद आ गए। बता दें, विवाह के बाद दुल्हन की विदाई भी बैलगाड़ी से हुई है। बता दें, इस पुरानी परंपरा की चर्चा चारों तरफ हो रही है। महानगर के लहरगिर्द निवासी हरिओम यादव के बेटे रणवीर सिंह की शादी चीर गांव के सिया गांव निवासी किसान चतुर सिंह यादव की बेटी से चाहत से तय की गई थी। बीते दिन शिवपुरी रोड स्थित विवाह घर के लिए बारात बैलगाड़ी से रवाना हुई। लड़की की परिवार के लोग सोच रहे थे कि बारात सजी धजी लग्जरी कार से आएगी या बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएगी, लेकिन विवाह घर के दरवाजे पर तो जाकर ठहरी बैलगाड़ी। तो उसके बाद आपको हम ये भी बताते चले कि इसे देखकर शादी में शामिल मेहमान भी अचंभित रह पड़े। रात भर विवाह की रस्में पूरी की गई, रीति रिवाजों के साथ विवाह को संपन्न किया गया। अगले दिन सुबह विदाई की बेला आई, जिसमें वर पक्ष ने बताया कि वह दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से कराना चाहते हैं। उसके बाद से दूल्हा दुल्हन दोनों बैलगाड़ी में सवार हो गए। और खास बात तो ये है कि ये बैलगाड़ी को दूल्हे के चाचा पंजाब सिंह यादव हाँक रहे थे, यानी कि बैलगाड़ी को दूल्हे के चाचा चला रहे थे। दूल्हा दुल्हन के पीछे अन्य बैलगाड़ियां थी जिनमें बाराती सवार थे। बैलगाड़ी की रवानगी के दौरान नदिया के पार फिल्म का गाना कौन से दिशा में लेके चला रे बटुहिया बजाया गया। इस दरमियान डीजे की धुनों पर कुछ बाराती नाचते भी नजर आए, ठिठुरते भी नजर आए। वहीं बैलगाड़ियों का यह काफिला लगभग 4 किलोमीटर चलकर लहरगिर्द स्थित दूल्हे के घर जाकर पहुंचा। वहीं बता दें कि यह नजारा देखने के लिए सड़क पर काफी ज्यादा संख्या में लोग जमा भी हो गए थे। दूल्हे के पिता हरिओम यादव ने बताया कि हम किसान परिवार के हैं, परिवार में कई कार्य हैं, लेकिन पुरानी परंपरा से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए बैलगाड़ी से बारात लेकर हम गए थे और बहू की विदाई भी बैलगाड़ी से ही कराई है। गांव में लोगों से संपर्क कर बैलगाड़ियों की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से वर पक्ष ने पुरानी परंपराओं से युवा पीढ़ियों को रूबरू कराने के लिए वर पक्ष ने बैलगाड़ी से बारात लेकर दुल्हन के घर जाकर पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।